100 ओवर में तुम्हारा इतना सारा बॉल हो गया, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि हर एक डेटा को वो बैठ करके रिकॉर्ड किया जाए, राइट? तो क्या करते हैं, एक समरी बनाते हैं डेटा का। मतलब समरी मतलब उस डेटा को एक बड़े फॉर्म में, जो इतना सारा डेटा है उसको छोटे फॉर्म में कैलकुलेट करके लाते हैं। कैलकुलेट करके ला करके उसको ग्राफ में, मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के हिसाब से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, जहां पर हम लोगों को एक झलक में देख के पता चल जाता है कि अच्छा 50 ओवर में 58 ओवर में 20 रन हुए थे, उसके बाद थर्ड बॉल में 1 विकेट गई थी, ऐसे करके जिसको समराइज करके एक छोटे में कर दें और जहां से हम लोगों को डेटा सारा कलेक्ट हो जाए उसको बोलते हैं ग्राफ। मीन्स ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिगर यूनिट, और यू मे कॉल मेनी डेटा। एम आई क्लियर? यस मैम, नो एनी मैम, ऑन आई डाउट? डोंट अंडरस्टैंड मैम दैट यू सेड ना, आफ्टर द पिक्टोरियल, आफ्टर दैट व्हाट यू सेड दैट आई हैव नॉट अंडरस्टैंड। पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लार्जर डेटा, लार्जर बहुत सारा डेटा है तुम्हारे पास, उसको अब तुम बैठ करके टैबुलेशन बना के, यू विल नॉट मेक टैबुलेशन ना, फर्स्ट बॉल 2 रन, सेकंड बॉल 4 रन, फिफ्थ बॉल 10 रन, करते करते 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर, तो उतना सारा डेटा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है ना। तो क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली, क्या करते हैं, व्हाट वी डू, सिंपली ऐसा पकड़ते हैं, एक पेपर लेते हैं और एक ऐसे करके, एक ऐसा पेपर होता है हमारा, उसमें ग्राफ बनाते हैं और उसमें ऐसे 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 कर दिया, यहाँ पे हो गया 10 ओवर, 20 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर, मतलब मुझे पता चल गया कि 10th ओवर में इतना रन हुआ, 20th ओवर में इतना हुआ, 50th ओवर में इतना हुआ, 60th ओवर में इतना हुआ। मतलब क्या हुआ, जो पूरा मैच की जो समरी है वो मैंने पिक्चर के हिसाब से बता दिया। तो पिक्चर जब मैंने बना के बता दिया ना, तो मेरे लिए इजी हो गया रादर देन यूजिंग द कंप्लीट डेटा। इज इट क्लियर? यस यस मैम, मैम, यस मैम, ओके ओके ओके, शैल वी प्रोसीड? यस मैम, यस मैम, ओके यस ओके। अब मैम, देखो, अच्छा अब देखो ग्राफ क्या होता है। ग्राफ हमारा तीन थ्री टाइप्स के होते हैं, ऐसे तो होते हैं बहुत टाइप के, बट फिलहाल आपकी सिलेबस में नहीं है, बट वी विल यूज इट, वी विल स्टडी इट, बिकॉज थोड़ा सा अ लिटिल नॉलेज इज नेसेसरी। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ को बोलते हैं बार ग्राफ। ओके, तो लिखना एवरीवन, प्लीज कंटिन्यू राइटिंग। अ डायग्राम दैट यूजेस नैरो बैंड मैम, यू हैव रिटन नैरो बैंड, BAND बैंड। ओके मैम, मैम आई हैव सीन मैम, व्हेन द डाटा यूसेज इज शोइंग इन द मोबाइल मैम, देयर दिस टाइप ऑफ ड्राइंग ग्राफ, सी दे कैन नॉट शो यू ना कि पर आवर में कितना तुमने डेटा यूज किया, या पर सेकंड में कितना डेटा यूज किया। इफ दे गिव यू द डेटा
means if they provide you a tabulation sheet 1 month na if they provide it for 1 day also na तो वन डे के लिए अब तुम्हारे पास सेकेंड भी है आज भी है तो वो प्रोवाइड करने के लिए दैट विल बिकम वेरी लॉन्ग और इंस्पेक्ट यू स्टे फॉर 1 month अगर 1 महीने के लिए भी होता है तो वो कितना लंबा हो जाएगा पर डे कितना डेटा तुम लोगों ने यूज किया 30 डेटा तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा फॉर अ पर्सन टू कैलकुलेट बट अगर ग्राफ बना रहता है ना तो उसमें क्या होता है इजिली वी कैन जस्ट लुक इन टू द फोटो एंड वी कैन डिटरमाइन कि अच्छा इस डे पर हमने इतना किया था अच्छा इस डे पर इतना मतलब ईजी हो जाता है हम लोगों का जो कैलकुलेशन है उसको ईजी करने के लिए ग्राफ का इन्वेंशन हुआ था ओके ओके मैम ओके देखो बार ग्राफ क्या होता है लिख लिया सब लोगों ने यस मैम यस मैम रिटन अच्छा हाँ हाँ definitely you need to draw this okay ma'am this is x this is y जल्दी से बना के बताओ ma'am completed okay देखो अब देखो graph बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होती है first of all we need two lines this line and this line है ना Yes, ma'am. This line, look at the screen, this line and this line. The line which is lying down, the line which is lying down horizontally is known as the x-axis. Okay, axis means line. The line which is vertical, means that is perpendicular, is known as y-axis. ओके एक्स और वाई ना दो एक्सिस होते हैं हमारे इन एक्सिस के बीच में जो भी ड्राइंग होगी ग्राफ की अब हमारी इस एरिया में होगी दिस एरिया एनी ग्राफ ड्राइंग वी विल मेक ऑन दिस एरिया तो हमारा जो ग्राफ होता है वो दो लाइन से मिलके बनता है द फर्स्ट वन विच इज लाइंग डाउन इज नोन एज एक्स एक्सिस द वन विच इज वर्टिकल which is on the perpendicular that is y axis and in dono ke beech mein angle hamesha kitna hota hai 90 degree hoga means these both axes are always perpendicular to each other am I clear yes ma'am main likha do isko yes ma'am Yes, ma'am. हो गया नो मैम मैम जस्ट वेट फॉर अ मिनट यस मैम डन डन सबका मैम जस्ट नो मैम मैम जस्ट 1 मिनट डन Yes, ma'am, then. Okay, देखो दो एक्सिस होता है हम लोगों का एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस दो की दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से होते हैं अब बार ग्राफ की क्या कहानी है अब इस ग्राफ में ना दो तीन कहानियां आएंगी जैसे बार ग्राफ की कहानी होगी और एक पाई चार्ट की कहानी होगी दो तीन तरह के ग्राफ होंगे तो अब बार ग्राफ की कहानी में क्या बार का मतलब क्या होता है बार मतलब कैसे समझो बार मतलब अ सिंगल बार जो कि जिसकी विड्थ होती है नथिंग व्हिच इज हैविंग सम ब्रेथ है ना विड्थ सेट बार हेलो यस मैम आई एम लाइक चॉकलेट बार लाइक चॉकलेट बार
चॉकलेट बार यू हैव सीन ना, चॉकलेट बार इज हैविंग लेंथ आल्सो एंड ब्रेथ आल्सो, मतलब वो थोड़ा सा चौड़ा होता है राइट, लेंथ स्टिक के जैसा, मैम इट इज स्ट्रेट, क्या मैम इट इज वाइड एंड इट इज स्ट्रेट आल्सो, इट्स हैविंग अ सर्टेन लेंथ एंड सर्टेन ब्रेथ. तो बार ग्राफ पे याद रखना, बार मीन्स चॉकलेट बार, रिमेम्बर इट विद द टर्म चॉकलेट बार. उसमें क्या होता है देखो, ये जो बन रहा है ना हमारा, एक इसकी एक विड्थ है, इसका एक लेंथ है, इसका एक लेंथ है, इसका एक ब्रेथ है ना. तो मतलब इस टाइप के जो बार बने हुए, ये सारे बार बने हुए ना, तो जब बार बने हुए रहते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, देन दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज बार ग्राफ. अ डायग्राम दैट यूजेस नैरो बैंड, बैंड मतलब दिस इज द बैंड, ये जो ब्रेथ है ना, आर यू एबल टू सी ऑन द स्क्रीन? यस मैम, यस मैम. द वाइडनेस ऑफ द बैंड, बैंड ऑफ डिफरेंट हाइट, इट इज हैविंग ऑफ डिफरेंट हाइट है ना, टू शो डिफरेंट अमाउंट. इससे क्या होता है, हमें डिफरेंट अमाउंट का पता चल रहा है, डिफरेंट अमाउंट ना, इसमें कम अमाउंट है, इसमें उससे ज्यादा है, इसमें उससे भी ज्यादा है, इसमें सबसे कम है, इसमें सबसे ज्यादा है, डिफरेंट अमाउंट शो हो रहा है, सो दैट दे कैन बी कम्पेयर्ड. अब हम लोग इन सबको कंपेयर कर सकते हैं आपस में. ये सारे जो ग्राफ होते हैं ना, ये मैक्सिमम यूज होते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट में देखा होगा ना टीवी पर, स्क्रीन में, टीवी न्यूज पेपर में भी तुम लोग देखना, तुम लोग अब मोबाइल डेटा में भी देखते हो, जैसे मैम कोरोना में जो पॉपुलेशन है तो वो ऐसे ग्राफ में बताया जा रहा है, पॉपुलेशन इज ग्राफ. हाँ तो चलो ये क्लियर हो गया, बार ग्राफ क्या होता है? यस मैम, यस मैम. जहाँ पे नैरो बैंड रहेंगे, जिसकी थोड़ी वाइडनेस होगी, द थिंग इट विल हैव सम बार लाइक थिंग, लाइक लेंथ एंड ब्रेड दोनों होंगे बार जैसा होगा, वहां पर बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग बार ग्राफ. प्लॉट कैसे करना है, क्या करना है, अगले साल पढ़ेंगे हम लोग 8th में और 9th में. ओके ओके मैम, ओके. चलो अब सेकंड आता है तुम्हारा, पाई चार्ट. अच्छा किसी ने पाई खाई, चोको पाई? यस मैम, सर्कल. यस मैम, लॉटी चोको पाई. हाँ लॉटी चोको पाई कैसा होता है? यस मैम, मैंने भी कई बार खाई है. हाँ तो कैसा होता है वो देखिए, सर्कल होता है और मैम वो सर्कल. बस 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 बस, सर्कल होता है कि नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना. पाई चार्ट का मतलब सर्कुलर. पाई चार्ट विल बी, विल व्हेनेवर यू विल लिसन टू द वर्ड पाई चार्ट, यू विल इमीडिएटली गो टू लॉटी चोको पाई, एंड वहां से पाई विल, पाई का मतलब क्या हो जाएगा, चोको पाई हमारी सर्कुलर होती है, तो पाई चार्ट भी, जो भी हमारा डायग्राम सर्कुलर में होगा उसको हम बोलेंगे पाई चार्ट. क्लियर? यस मैम, यस मैम, यस मैम. बस सिंपल सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं है. डायग्राम लिखो, सब लोग लिखो, कॉपी इट. USA. Man, we have to draw the circle also. Uh-huh.
माँ मैम, व्हाट यू हैव रिटन आफ्टर पार्ट्स टू शो द साइज ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, साइज ऑफ पर्टिकुलर पार्ट इन रिलेशन टू द होल. मैम, आफ्टर जापान व्हाट यू हैव रिटन. Any country, right? Any country, no issue. Right? Any country, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, anyone. I'm just giving an example. Ma'am, mine is done. Done. Kisi my also. Shall I wait for anyone? Everyone is done, boys. Yes, ma'am, done. Nilanjan. I'm done. I'm done. 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 Devayan. Ayush. Yes, ma'am. Done. Done. Sabka ho gaya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. 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 देखो अब देखो क्या बोल रहा है कि अब मान लो कि मैंने बता दिया पाई चार्ट का मतलब क्या है. दिमाग में ही लाना है कि लॉटे चौको पाई गोल होती है तो मेरा पाई चार्ट हमेशा क्या होगा, गोल होगा, सर्कुलर होगा. तो सर्कुलर बना लिया मैंने. इसमें अब देखो इसको समझते कैसे हैं, मैं समझा दूं, ऐसे जरूरत नहीं है. मान लो कि ये मेरा कंप्लीट वर्ल्ड है, ठीक है. कंप्लीट वर्ल्ड में इतना जो है ये पार्ट, दिस पार्ट इज माय इंडिया, दिस पार्ट इज यूएसए. मान लो कि मैं बता रही हूँ, आई एम रिपोर्टिंग कि नंबर ऑफ कोरोना केसेस इन द होल वर्ल्ड. ओके, तो सपोज करो कि ये पूरा जो कम्प्लीट सर्कल है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस. इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस हैं, तो ये इतना बड़ा वाला पोर्शन हो गया इंडिया का, इतना वाला पोर्शन हो गया यूएसए का, इससे पतला वाला पोर्शन हो गया यूके का, उससे छोटा वाला पोर्शन हो गया जापान का, उससे छोटा पोर्शन हो गया यूएई का, उससे छोटा वाला पोर्शन हो गया रशिया का. मतलब पाई चार्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मान लो कोरोना केसेस को हम लोग पूरा होल पकड़ ले, पूरा सर्कुलर, तो कितना कितना किस कंट्री का शेयर है उस पूरे केसेस में. या फिर मान लो पॉपुलेशन ही पकड़ लिया, तो इंडिया का पॉपुलेशन हो गया इतना, यूएसए का हो गया ये इतना वाला, उससे कम हो गया यूके का. मान लो कि हमने पकड़ लिया कि कंप्लीट वर्ल्ड में कितनी तो कितना वाटर है किस कंट्री के पास. इंडिया का हो गया इतना वाटर, यूएसए का हो गया इतना वाटर. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से? आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल. यस मैम. इंडिया यूके यूएसए इंडिया यूके यूएसए का नहीं. मान लो कि आई एम सेइंग अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स, दिस इज मान लो वेस्ट बंगाल, दिस इज तमिलनाडु, दिस इज राजस्थान, दिस इज बिहार, दिस इज यूपी, एनीथिंग एनीथिंग. आई जस्ट साइटेड एन एग्जांपल की कंट्रीज का, ये कोई भी हो सकता है. समझ में आया? यस मैम. किसी को कोई डाउट? यस मैम. मैम क्या ये मतलब किसी फूड मटेरियल का हो सकता है, जैसे फूड आइटम को? मैम बैलेंस डाइट में जो होता है. हाँ हाँ, इसे मान लो कि दिस इज मिल्क, ये मान लो मैंने बोला मिल्क है, ठीक है. मिल्क में इतना प्रोटीन हो गया, इतना कार्ब्स हो गया, इतना फैट हो गया, इतना मिनरल्स हो गया. बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो सकता है. सपोज दिस इज, आई एम सेइंग दिस इज माई स्कूल, कम्प्लीट दिस इज माई स्कूल. ओके, इसमें आईसीएसई के बच्चे इतने हैं, इसमें सीबीएसई के बच्चे इतने से हैं, इसमें डीएवी के बच्चे इतने से हैं, इसमें वेस्ट बंगाल बोर्ड के इतने बच्चे हैं, इसमें बिहार बोर्ड के इतने बच्चे हैं. बात समझ में आई? यस मैम. क्लियर? यस मैम. कोई डाउट किसी को? नो मैम. मैम नो डाउट. पूरा क्लियर हो गया? अभी तक हम लोग पढ़े हैं दो चीज, बार ग्राफ और पाई चार्ट. बार याद करेंगे तो चॉकलेट बार याद करेंगे, जैसे किटकैट होता है. किटकैट खाया ना सबने? यस मैम. पार्क में
मैं किटकैट की बात करूँ, किटकैट किटकैट जब छोटा छोटा आप लोग उसको ब्रेक करते हो तो ऐसा आता है स्लाइसेस बन के उसमें से? यस मैम, उनको पीसेस ऐसे ही आते हैं। हाँ, तो याद रखना कि किटकैट वाले जो पीसेस हैं वैसा पीसेस होगा बार में, मतलब चॉकलेट बार हो गया किटकैट से। याद रखना कि बार ग्राफ में ऐसे बार बने रहेंगे क्योंकि किटकैट का बार भी वैसा ही होता है। पाई चार्ट से याद रखना हम लोगों को कि हमारा चॉकलेट पाई कैसे होता है, चोको पाई सर्कुलर होती है। इसका मतलब जो भी ग्राफ सर्कुलर में रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग पाई चार्ट बोलेंगे। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर? नो डाउट? नो मैम, नो डाउट इज देयर। नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब थर्ड हमारा टाइप होता है तुम्हारा, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, लाइन ग्राफ। कोई बोलेगा लाइन ग्राफ कैसा होगा? एनीवन विल से मी लाइन ग्राफ कैसा होगा? मैम वो लाइन लाइन बना होगा उसमें। मैम लाइन से ग्राफ रिप्रेजेंट होगा उसमें। हाँ बस, दैट्स इट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अ ग्राफ दैट यूजेस लाइन टू कनेक्ट इंडिविजुअल डेटा पॉइंट इज नोन एज लाइन ग्राफ। कैसे बनेगा ये लाइन ग्राफ? कोई सी भी लाइन बना दो तुम, ऐसी 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 लाइन बना दो, ये हो गया तुम्हारा एक्स, ये हो गया वाई। आइदर तुम ऐसी बना दो, समझ में आया? कोई सा भी लाइन अगर बना रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में तो कुछ याद ही नहीं करना, वो तो नाम ही बता दे रहा है कि लाइन मतलब लाइन। क्लियर? यस मैम। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? व्हाटएवर आई शाउटेड इट वेंट इन टू योर ब्रेन? यस मैम। ओके, द बॉय इज आउट देयर, वेयर आर दे? नीलांजन, देवायन एंड आयुष। वेयर आर दीज किड्स? बच्चे कहाँ हो तुम लोग? समझ में आ रहा है? यस मैम। पूरा? यस मैम। यस मैम। मैम ये जो पाई चार्ट होता है उसमें ये नहीं होता, मतलब एक्स और वाई ऐसा कोई भी पॉइंट? क्या फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैम ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता एक्स एंड वाई? ये तो एक्स एंड वाई लिखा तो है मैम, वो पाई चार्ट में। हम लोगों को वहाँ पे एक्सिस चाहिए कहाँ? वी डोंट नीड एक्सिस होगा तब तब पॉइंट होगा। हाँ हाँ, तभी पॉइंट होगा जहाँ पर ये लाइन और बार ग्राफ में मेरा एक्स और वाई एक्सिस होगा। पाई चार्ट में मेरा एक्स और वाई एक्सिस नहीं होता है। चलो सबका हो गया, सबने लिख लिया? यस मैम। ओके चलो फिर आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ओके चलो मैम, आज भी कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगी क्या?
देखते हैं टाइम बचता है तो कराते हैं। कौन पूछा चाहिए? अर्पणा? यस मैम। ओके देखते हैं टाइम बचता है तो कराते हैं, ठीक है? आज ये चैप्टर अपन लोग फिनिश करेंगे, ठीक है? ओके अब हेडिंग डालो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैम यहाँ आपने फर्स्ट वाले लाइन में ग्राफ्स के बाद और लिखा है या ऑन लिखा है? ऑन और ओ आर। ओके चलो सब लोग नोट डाउन करके मुझे बताओ, फिर आई विल प्रोसीड। मैम कंप्लीटेड। बाकी लोग? मैम प्लीज वेट। वेटिंग। यस मैम कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। बाकी द बॉयज इन माय क्लास, वेयर आर द बॉयज? हाँ देवायन, निरंजन। यस मैम। लिख रहे हो? यस मैम। बच्चे लिख के बताओ जल्दी। ओके मैम। मैम कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। निरंजन था ना ये? नो मैम आयुष। आयुष था ये। Let's hope to meet you soon. जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हों। मैम कब से? नहीं पता बेटा कब से। कोविड कब खत्म होगा कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया ही नहीं है। इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं अभी तो, फिर भी चलो कम हो रहे हैं। Let's see कब ओपन होता है। यस मैम बहुत कम हो गया है। कोविड केसेस कम हो गए हैं बट स्टिल सेफ्टी इज फर्स्ट ना। यस मैम व्हाट? सेफ्टी इज फर्स्ट ना, सेफ्टी बहुत जरूरी है। यस मैम। हुआ बेटा? बोलो बच्चा हुआ? मैम मेरा तो हो गया। यस मैम। बाकी लोग कोई बचा है लिखने को? इज एनीवन राइटिंग और शैल आई प्रोसीड? मैं आगे बढूं? मैम आई डोंट फील लाइक शाउटिंग टुडे मैन, आई एम हैविंग अ सीवियर हेडेक। प्लीज डोंट मेक मी शाउट।
प्लीज डोंट डू दैट मैम. डन डन. चलो आगे. ओके चलो चलो लेट्स प्रोसीड. लेट्स प्रोसीड. देखो क्या बोल रहा है. वी ऑफन यूज लीनियर और लाइन ग्राफ. अब जो हम लोगों को पढ़ना है ना, हम लोगों ने तीन ग्राफ पढ़ा, बार, पाई और लाइन. ठीक है, बार और पाई का डेफिनेशन जान लो, किसको बोलते हैं वो जान लो. एक चौको पाई हो गया, एक किटकैट वाला बार हो गया, काम खत्म, वो चैप्टर वहीं क्लोज. अब जो लाइन ग्राफ होता है ना, हम लोगों को पढ़ना है आगे चल के लाइन ग्राफ. मतलब जो, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा क्या चैप्टर, मोशन एंड टाइम पढ़ा. तो मोशन एंड टाइम में ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली और फ्रॉम और समवन इज गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, देर इज अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. एंड माइट बी इट टेक टू डेज टू ट्रेवल, राइट. तो इज इट पॉसिबल कि मैं टैबुलेशन बना करके, टेबल बना करके, मैं हर घंटे में मेरी कितनी स्पीड हुई है उसको ड्रॉ करूं? इज इट पॉसिबल? नो नो. वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा एंड इट वुड बिकम वेरी मच टायरिंग. ठीक है, तो उसको अब कवर करने के लिए इमोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली कार, आई जस्ट साइटेड एन एग्जांपल, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. मतलब वी यूज लाइन ग्राफ. जो हम लोग मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज लाइन ग्राफ, और उस लाइन ग्राफ को हम लोग कहते हैं, मोशन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. मतलब बेसिकली हम लोग मोशन अगर मूव कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि कितनी देर में हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वही चेक करते हैं ना, कि एक घंटे बाद वी कवर्ड 50 किलोमीटर, दो घंटे बाद वी कवर्ड 100 किलोमीटर. मतलब वी चेक द इमोशन में क्या चेक होता है, टाइम चेक होता है और डिस्टेंस चेक होता है. दीज आर द बेसिक टू थिंग्स, राइट. द बेसिक टू थिंग्स इन इमोशन इज व्हाट, डिस्टेंस एंड टाइम. सो द लीनियर ग्राफ विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. Am I clear with my concept to you? Yes, ma'am. The motion of any object is used, the motion of any object is presented in a graph using linear graph known as distance time graph. किसी भी motion को हम लोग represent करते हैं किस graph से? Line graph से. Line graph को linear graph. लाइन और लीनियर एक ही चीज है. किसी भी मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर ग्राफ से, और उस लीनियर ग्राफ का हम लोग नाम देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, ठीक है. अब उसमें क्या करते हैं, हम लोग का दो एक्सिस है. देखो हमारे पास दो पॉइंट है, एक है डिस्टेंस, एक है टाइम. वी हैव टू थिंग्स इन आवर माइंड. इन दोनों को लेकर के हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ड्रॉइंग करनी है. और हमारे पास एक्सिस भी कितना है, दो एक्सिस है. वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक बार दिमाग में एकदम बिठा लो, जस्ट कीप इट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फिजिक्स व्हेन यू स्टडी फिजिक्स. एक्स एक्सिस पर हम लोग हमेशा टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेंगे. क्लियर? और भी अगर दूसरे ग्राफ हम लोग बनाएंगे ना फ्यूचर में चल के, वी विल मेक मोर ग्राफ इन क्लास 9 और 10. तो क्या होगा कि वी विल चेंज द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे वी विल यूज स्पीड, वाई एक्सिस पे वी विल यूज एक्सीलरेशन. बट एक्स एक्सिस विल बी फिक्स एंड हियर वी यूज ओनली टाइम. ओके, इस चीज को दिमाग में फिक्स कर लो कि एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम रहता है. और फिलहाल चूंकि वी आर स्टडिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वाई एक्सिस पे हम लोगों का क्या होगा, डिस्टेंस होगा. तो यही देखो लिखा हुआ है, ऑन सच ग्राफ वी जनरली चूज एक्स एक्सिस एज द टाइम एक्सिस. एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस बोलेंगे, टाइम एक्सिस को एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस को डिस्टेंस एक्सिस बोलेंगे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay.
आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, कुछ नहीं पूछना है किसी को भी? मैम लास्ट डे यू सेड दैट यू विल आस्क सम क्वेश्चंस. यस मैम. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम, हेलो. Yes, ma'am. Last day you said that you asked question from the earlier you that you have previous topics which you taught us. You will ask. I will do it. I will do it. Let me wind up the lesson for today. Let's finish it today. अभी तक मुझे बताओ, मैंने जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? Ma'am. Yes, ma'am. आ गया. Boys out in my class, Devayan, Nilanjan and Ayush. No ma'am. नहीं समझ में आया? नहीं मैम, क्लियर हो गया. अच्छा, क्लियर हो गया. ओके, चलो आगे बढ़े. अच्छा, अब सीखते हैं ना ये प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ कैसे करते हैं. अब हम लोगों को ग्राफ बनाना. कोई ना, चलो अब सीखते हैं कि हम लोगों को कैसे करना है, ग्राफ प्लॉट कैसे करना है. ओके, ठीक है. सी, आई लॉस्ट माय पेज जस्ट नाउ. ओके, सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक. आई कैन नॉट शो यू द पेज, द प्रीवियस वन. ओके, आई जस्ट But ma'am, the previous page, keep your previous pages open. I just lost my page. I cannot show it to you. Acha, dekho. Let us consider the motion of an object. ठीक है, एक मोशन बता दिया मैंने तुम लोगों को. लिखना, सारे लोग लिखोगे है ना? ठीक है. यस मैम. यहाँ पर मैंने दिया है टाइम, यहाँ मैंने दिया है डिस्टेंस. ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे, देखो, लुक एट योर स्क्रीन. मैं दे रही हूँ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड. मेरे ऑब्जेक्ट ने कवर किया 10 मीटर डिस्टेंस. ओके, at time equals to 10 seconds, my object covered 20 meter distance. Okay, at time equals to 15 seconds, my object covered 30 meter distance. At time is equal to 20 seconds, my object covered 40 meter distance. At time is equal to 25 seconds, my object covered 50 meter distance. Is it clear? Yes, ma'am. ये मैंने तुम्हें डेटा दे दिया, ठीक है, कि देखो भैया मेरी कार है, मैं अपनी कार को लेकर जा रही हूँ, तो 5 सेकंड के बाद मेरी कार ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, 10 सेकंड के बाद 20, 15 के बाद 30, 20 के बाद 40 एंड 25 सेकंड के बाद 50 मीटर कवर किया. ओके, अब मैं बोलूंगी कि बेटा इसको ना इतना मुझे लिखने का मन नहीं है, मैं इतना सारा डेटा नहीं लिख सकती, इतना सारा कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो एक काम करो, इसको ना ग्राफ में प्लॉट करके मुझे दे दो, ताकि मुझे इजियर हो ये पता करने में कि मेरे बॉडी का मोशन जो है, मेरी कार का जो मोशन है वो कैसा है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे. कैसे प्लॉट करेंगे, इसको लिख लो पहले, इतना तो फिनिश करो सब. डन 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 ना. चलो अब देखो, अब हम लोग बनाएंगे क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे. यस मैम. yes,
ये बनाया मैंने वाई एक्सिस, ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, यहाँ एरो दे दिया, यहाँ एरो दे दिया, ठीक है। मैम थोड़ा जोर से बोलिए ना, बहुत कम आवाज आ रही है। क्यों कम आवाज आ रही है? बट मैम योर वॉइस इज क्लियर एंड इट इज नॉर्मल मैम। नॉर्मल है बेटा, देखो अपने से। नहीं मैम, मैंने हेडफोन लगाया, उसके बाद ब्लूटूथ लगाया, फिर मैंने ऐसे ही बिना स्पीकर से भी किया, लेकिन फिर भी मैम अर्पणा का भी साउंड, मैम अर्पणा का साउंड भी लेस वॉल्यूम से आ रहा है, लो आ रहा है। हां 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 अर्पणा बेटा, आपका वॉल्यूम भी कम आ रहा है, शायद तुम्हारे नेटवर्क में, तुम्हारे डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, बट चेक करो, अपना कनेक्शन चेक करो, डिवाइस चेक करो, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इंटरवल करेंगे। इस एक्सिस पर क्या लेते हैं प्राप्ति, एक्स एक्सिस है ये और ये वाई है, एक्स पे क्या लेंगे हम लोग, हम टाइम, टाइम ले लेंगे, ओके। वाई पे क्या लेंगे हम, डिस्टेंस, डिस्टेंस लेंगे, वेरी गुड, डिस्टेंस ले लिया वाई पर, ठीक है। अब इंटरवल्स करेंगे, ऐसे इक्वल इंटरवल काट लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं इक्वल इंटरवल्स, क्लियर। यहाँ पर भी इक्वल इंटरवल्स कर लेंगे, प्लॉट करना है ना, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो करने हैं। ये मेरा जीरो जीरो पॉइंट है, दिस इज माय जीरो पॉइंट, ठीक है। इसके बाद टाइम इधर जा रहा है, मेरा जा रहा है टाइम इधर, है ना, देखो सारे स्क्रीन yes, पर टाइम इधर जा रहा है, तो मेरे ग्राफ में देखो क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25, मैंने 5, 10, 15, 20, 25। हम लोग क्या ले लेंगे, ये क्या इक्वल इंटरवल पे बढ़ रहा है, +5, +5, +5, तो हम लोग इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज इक्वल इंटरवल, है ना। हम लोगों ने यहाँ क्या कट किया, इक्वल इंटरवल ही तो कट किया है, वी कैन नॉट राइट कि 5, 10, 16, 19, 28, वो इक्वल नहीं होगा, बट दिस इज इक्वल, है ना, 5, 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, क्लियर। यस मैम, मैंने एक काम करते हैं, पेंसिल से बनाया है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो डिस्टेंस मेरा ना 30 तक आया है, 45, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 30 तक आया ना, कोई बात नहीं। हम लोगों को चाहिए कितना तक, 25 तक चाहिए ना, हम लोगों को चाहिए कितना तक, 25 तक ना, मेरा टाइम लास्ट कहाँ खत्म हो रहा, 25 ना, यस मैम, मेरा ग्राफ तो यही एंड हो जाएगा, 25 में ही एंड हो जाएगा, क्लियर। यस मैम, यहाँ पर देखेंगे कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या हो रहा है, +10, +10, +10, +10 हो रहा है, तो इसको भी हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं कि नहीं, यस मैम, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, है ना। अब सारे लोग स्क्रीन पर देखोगे, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट नाउ, ठीक है। मुझे बताओ 5 सेकंड पर डिस्टेंस कितना है मैम, 10। 5 सेकंड पर डिस्टेंस है मेरा 10। आते हैं सेकंड पर, आ गए सेकंड पर, 5 सेकंड हुआ, डिस्टेंस कितना होगा, 10, है ना, 10। हाँ, तो ये 10 से यहाँ डॉटेड आएगा और ये 5 यहाँ जाएगा, मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा, होगा 5 सेकंड पर 10, क्लियर। कोई डाउट? मैम, हम लोग तो बॉक्स बॉक्स करके भी कर सकते हैं, मतलब मैम बार ग्राफ में जो होता है ना, नहीं नहीं हमें बार ग्राफ नहीं बनाना है, हमें लाइन ग्राफ ही बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो हमेशा लाइन ग्राफ ही होता है। बार और पाई क्या होता है उतना मैंने बता दिया डेफिनेशन, ठीक है, उसका एपिसोड वही खत्म हो गया, द वेब सीरीज एंडेड देयर, खत्म हो गया वो कहानी, खत्म,
ठीक है, उसके बाद वी विल प्रोसीड विद द लाइन ग्राफ. ओके, ये वाला क्लियर हुआ? अर्पणा, देवायन, नीलांजन, आयुष, प्राप्ति, आरुषि, यस मैम. ओके, अब देखो दूसरा क्या है मेरा, 10 सेकंड में 20 है ना मैम. हाँ मैम, कैन यू शो द प्रीवियस पेज? बेटा आई टोल्ड यू ना, आई लॉस्ट द पेज. क्या कहाँ छूटा है, बोलो बोलो कहाँ छूटा है, मैं बोलू? बोलो बोलो मैम. मैम आई विल सेंड द पेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप. नो वेट, लेट मी आस्क व्हाट ही हैज लेफ्ट विद. नीलांजन क्या छूटा है? मैम माइनस. तो किसका छूटा है? देवायन. मैम देवायन का. देवायन क्या छूटा है? मैम छूटा नहीं. मैम एक स्पेलिंग देखना है. हाँ बोलो, स्पेलिंग किसकी स्पेलिंग बोलो बोलो. अरे देवायन. हाँ हेलो हेलो. हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम, आपका आवाज आ रही है. मैम लगता है अर्पणा का नेट इश्यू है, इसलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा. हाँ बेटा, तुम्हारा नेटवर्क का कुछ इशू है आई गेस. मैम मैं लीव हो गया था. हाँ तुम लीव हो गए थे. बताओ कौन सा स्पेलिंग देखना है, मैं बता दूँ स्पेलिंग. देवायन. यस मैम. कौन सा स्पेलिंग देखना है? बोलो. मैम मेटालिक. मेटालिक? मेटालिक तो नहीं लिखा मैंने कहीं. मैम शायद आपने वो प्लॉटिंग लिखा है ना, मैं भी उसको पहले कुछ वैसा ही पढ़ रही थी, समथिंग एम करके, तो वो शायद वो प्लॉटिंग के बारे में. प्लॉटिंग तो यहाँ लिख रखा है, ये देखिए. Devayan, I guess he is having network problem. Might be. चलो चले प्रोसीड करें. अब देखो हाँ, 10 सेकंड पे मेरा कितना डिस्टेंस हो रहा है? 20. 10 पे 20 हो रहा है ना, 10 पे 20 है. अब देखो 10 पे जा रहे हैं, 20 कहाँ, यहाँ है. टाइम कितना है मेरा? 10 सेकंड है ना. 10 सेकंड पे बढ़े आके आगे आगे ऊपर नहीं जाएंगे. कहाँ जाएंगे? 20 तक में जाएंगे. 20 से ऐसे लाइन खींचा, खींच के मेरा पॉइंट ये वाला होगा जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे. यस मैम. यस मैम. 15 पे कितना हो रहा है? 30 ऊपर गए, ऊपर गए, 20 से ऊपर गए, 20 से ऊपर गए, बस 30 तक रुक गए. यहाँ से आने के बाद यहाँ पर इसको पॉइंट बना लिया. बनेगा 30 पर, 15 पर 30 बनेगा. यस मैम. देन 20 पर कितना है? 40. 20 पर गए, आगे बढ़े 30 से बाहर निकले, 30 से बाहर 40 पर रुक गए. 40 के यहाँ से खींचा, खींच के ये ले आए यहाँ पर, ये पॉइंट बनेगा. बन गया. यस मैम. 25 पर कितना है? 50. मैम 50. हाँ आगे बढ़े ऊपर जा रहे 50 के पास जाना है अपन को. यहाँ गए, रुक गए. अब 50 के पास यहाँ से ला करके ये रहा, पॉइंट्स मेरे प्लॉट हो गए ग्राफ में, हो गए ना. अब इन पॉइंट्स को मुझे ऐड करना है ग्राफ, लाइन ग्राफ चाहिए ना, तो हमें लाइन तो बनाना पड़ेगा. जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किया है उनको लाइन के थ्रू हम लोग ऐड करेंगे. देखो कैसे ऐड करेंगे. देखो ऐड कर दिया, बन गया ये एक स्ट्रेट लाइन बनी. यस मैम. तो ये हो गया मेरा लाइन ग्राफ, बना कि नहीं बना? यस मैम बन गया. ओ ए इज माय लाइन.
and this graph is my line graph. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं, कैसे क्या करते हैं? Yes, ma'am. मैम हम लोगों को सिर्फ दोनों साइड इक्वल रखना पड़ेगा. कहाँ पर बेटा बोलो, समझे नहीं बात. एक्सिस और वाई एक्सिस में जो आपने चार्ट बनाया है उसके हिसाब से हम लोगों को इक्वल रखना पड़ेगा. हाँ इक्वल रखना पड़ेगा, वो तुम्हारे डेटा पे डिपेंड करता है. तुम लोगों को देगा नहीं करने के लिए, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, बट स्टिल आई टॉट यू. This will not ask you a question. This is my interesting. Ma'am, हम लोगों को y axis और x axis का वो length equal रखना पड़ेगा. हाँ हाँ, ये जो intervals होंगे ना 5, 10, 15, 20 और ये वाला 10, 20, 30, 40, ये सारा interval आप अपने data के according रखोगे. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दे रखा था इक्वल इंटरवल्स पर, यहाँ 5-5 बढ़ रहा था या 10-10 बढ़ रहा था. अब ऐसा होता कि यहाँ 5 बढ़ा, 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, 38 बढ़ गया, 49 बढ़ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लॉट नहीं कर पाते, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता. इसमें क्या है, 5-5-5 टाइम इज इंक्रीजिंग 5-5-5 एंड डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग 10-10-10-10-10, सो इट बिकेम अस इजी फॉर अस टू प्लॉट द ग्राफ. ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ बोलो बोलो मैम. ये जो जैसे यहाँ पर हमारे वाई एक्सिस में 10, 20 ऐसे कर करके है, ठीक, 10 and 20 के बीच सपोज 1 centimeter का डिस्टेंस है, 10 and 20 जो हम लोग लिखे हैं. और ये जो यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस में भी 1 centimeter का ही डिफरेंस होना चाहिए. बिल्कुल 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 बिल्कुल. इसीलिए ये जो होता है ना ग्राफ पेपर, देखा तुम लोगों ने ग्रीन कलर का? यस मैम, हम लोगों को एक बार मैथ्स में हम लोगों को एक बार कराए थे ना, तो उसमें जो डिस्टेंस अभी 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 क्या किया, अभी मैंने हाथ से ड्रॉ किया है ना, तो हो सकता है कि 10 और 20 का जब ये 1 centimeter है तो 5-10 का मेरा 1 centimeter नहीं हो, क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, तो माइट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो, बिकॉज आई हैव ड्रॉन इट मैनुअली. ग्राफ पेपर में जब आप करोगे ना तो वो वहां पे देखना बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर तुम लोगों को डिस्टेंस नापने की जरूरत नहीं होगी, दैट विल बी ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल. ठीक है, इसीलिए दीज आर डन ऑन ग्राफ पेपर, वी आर जस्ट डूइंग इट रफली ऑन आवर ब्लैंक शीट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके ओके मैम, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, येट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट though it is interesting, that's why I taught you it, but how to plot a distance time graph. Okay? Okay, ma'am. Okay, देखो अब एक और हेडिंग डालो, आगे बढ़ो. नीलांजन, देवायन, आयुष, आरुषि. यस मैम. आगे बढ़ू मैं? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. चलो. यस. अच्छा बेटा एक काम करोगे, विल यू डू अ फेवर टू मी? यस मैम. जहां से हम लोगों ने ग्राफ शुरू किया था, जहां हम लोगों ने ग्राफ शुरू किया था, उसके बाद के तुम लोगों का स्पेस है, आई वांट टू गिव यू द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ. इज देयर एनी स्पेस यू कैन एडजस्ट बिफोर द बार ग्राफ? No, ma'am. I have not left any. Ma'am, in the bar graph page you have drawn to drawing. Ma'am, beside that I have space. Ma'am, can I write in that area? Just give it a heading graph. First page में ही ना, कहीं पर अगर जगह बच रहा है तो graph लिख दो. मैंने definition तुम लोग को पढ़ाया but बताना भूल गए. So my mistake. Admitted. कर सकते हैं. हाँ, स्टार मार्क लगा के फर्स्ट पेज में ही कहीं लिख दो. ओके, मैं डिक्टेट करूं? यस मैम. ये वाला ग्राफ का डेफिनेशन आप डिक्टेट करेंगी? हाँ मैं डिक्टेट कर रही हूँ. करूं? यस मैम. यस मैम. ओके ओके, चलो ग्राफ का कहीं भी स्टार मार्क लगा के फर्स्ट पेज में लिख दो. अ डायग्राम इन विच a diagram in which a line
a diagram in which a line or a curve, a diagram in which a line or a curve shows the relationship, a diagram in which a line or a curve shows the relationship between two quantities. Mom, between two quantities. Mom, what are you telling? Two points? Quantities. Two quantities? Quantities. Okay. Two quantities is known as a graph. A diagram in which a quantity is known as a graph. A diagram in which a line or a curve shows the relationship between two quantities is known as a graph. A diagram a diagram in which a line or a curve, C-U-R-V-E, curve shows the relationship between two quantities is known as a graph. Ho gaya sabka? Done. Chalo. सबका हो गया. अर्पना, आरुषि, नीलांजन, देवायन. यस मैम. चलो. अच्छा, यहाँ पर डालते हैं. केस डालेंगे, केस वन, फर्स्ट केस. ओके, लिखो इस डायग्राम के नीचे. Distance, time, graph of a stationary object. कोई मुझे बता पाएगा कि distance, time, graph of a stationary object कैसा होगा? Can anyone? Yes, ma'am. बोलो कैसा होगा मैम? उसके क्वांटिटी पर होगा. हाँ, पर कैसा बनेगा मैम? इट विल बी हॉरिजॉन्टल मैम. इट विल बी पाई ग्राफ. नो, पाई ग्राफ नहीं बेटा. सुनो, पाई ग्राफ और बार ग्राफ जो है उसकी कहानी हम लोग छोड़ आए हम वो गलियां, वहां जाना ही नहीं. मैम, उसके साथ इस लोगों का कुछ भी कनेक्शन नहीं है. नहीं है, हम लोगों ने वो जो पढ़ लिया ना, बार और पाई क्या होता है, बस बार और पाई को चौको पाई और किटकैट तक ही याद रखना है. इसके बाद हम लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे, भूल जाना है उसको. ओके मैम, देन मैम इट इज अ लाइन ग्राफ. हाँ, लाइन ग्राफ. कैसा लाइन ग्राफ बनेगा, कोई बता पाएगा लाइन ग्राफ कैसा बनेगा मैम? Ma'am, two straight line means x axis and y axis, and in the center we will put a straight line, that one. Straight line parallel to? Ma'am, which will be parallel to that horizontal line. Matlab x axis. Yes, ma'am, x axis. हाँ, very good. देखो आपकी, देखो क्या बोल रहे हैं आप. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो बनेगा, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है. ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? माय ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. यहाँ पे मेरा टाइम है, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस है ना. तो जब मेरा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, इसका मतलब उसका डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, है कि नहीं? यस मैम, यस मैम. Yes, तो फिर उसकी ऐसे ग्राफ बनेगा उसका. देखो, मान लेते हैं
टाइम तुम्हारा कुछ भी रहे, आइदर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 19 सेकेंड, सॉरी 90 सेकेंड, 100 सेकेंड, उस पर मेरा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस इज सेम, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव करता तो मेरा डिस्टेंस भी तो बढ़ता, यहाँ यहाँ होता, होता ना, मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट में जा रहा है, मतलब रेस्ट में है मेरा ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर? Time is increasing. See, my graph is going towards the left. Time is increasing. Time is not stopping. But distance is not increasing. So, my graph is in this direction. Mein badh raha hai. Is direction mein nahi badh raha hai. Clear? Yes, ma'am. Clear? Okay. I want to ask you one thing about the parallel line. Can I? Sure. Ma'am, parallel line mein hum log kahe the ki matlab स्टार्टिंग किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक दो लाइन के मतलब डिस्टेंस सेम होता है दो लाइन में, तो पैरेलल लाइन वो डिस्टेंस सेम होता है दो लाइन के बीच में, और वो जो लाइन का लेंथ होता है वो भी सेम होना जरूरी है या एक छोटा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पैरेलल लाइन मतलब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम होगा, और वो लोग को अगर तुम एक्सटेंड करो, कभी भी एक्सटेंड करो, तो वो लोग कभी मीट करेंगे भी नहीं. दिस इज सपोज दिस इज इंक्लाइंड लाइन, दीज आर इंक्लाइंड लाइन, तो इस पे यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है ना, और यहाँ डिस्टेंस कम है, और अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगी तो ये यहाँ पर जाकर मिल जा रहे हैं ना, दे आर मीटिंग हियर, इज इट? यस मैम, यस मैम. बट पैरेलल लाइन मान लो दिस इज शॉर्टर, दिस इज लॉन्गर, बट तुम अगर इसको एक्सटेंड करती जाओगी, करती ही जाओगी, दे विल नेवर मीट. The length, उनके difference, उनके बीच का difference important है कि that should be same, but उनका length कितना है that is not important, okay? Okay, ma'am, thank you. Okay. ये वाला clear हुआ सबको, distance, time, graph of a stationary object? Yes, ma'am. Okay. ma'am, क्या समझ में नहीं आया बोलो? तो आपने साइड में समझाया ना, वो मुझे समझ नहीं आया. ये वाला यस मैम. ये नहीं समझाना, ये उसका क्वेश्चन था, ये तुमको नहीं समझना. ये समझ में आया? यस मैम. ये क्लियर हुआ? यस मैम. बस यही समझना, वो तो उसने पैरेलल लाइन के पूछ बारे में पूछा, ये हमारी चैप्टर का नहीं है. ओके मैम, वन थिंग मोर, आप जो पिछले क्लास में आपने कहा था कि वर्क फेज बिना ग्रुप में अपना, मैम मैंने भेज दिया था, इज दैट ऑल राइट? कौन सा भेजा था, क्या थी वो क्वेश्चन? दो मैम उस क्वेश्चन का आंसर. हां हां, सबका सही था वो, सबका सही. मैम क्वेश्चन आंसर एज वेल एज द वर्क मींस द नोट. हां हां हां, सब सही था, वो चेक किया था मैंने. एक्चुअली तुम लोगों की क्लास एक वीक बाद होती है ना, तो वो दिमाग से उतर ही जाता है कि किस बच्चे ने क्या भेजा था. ठीक है, वो सही था, सही था, इट वाज ओके, इट वाज ओके, नो इश्यू. चलो अब हम लोग एक और कर ले, केस टू कर ले. यस मैम. केस टू, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अच्छा, मुझे यूनिफॉर्म स्पीड कौन बताएगा? आपसे आपकी बताओगे बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? मैम कहना है व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? नई प्राप्ति स्पीड एट द फिर से वन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. फिर से बोलो प्राप्ति. मैम द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट जो है मेरा, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है. हेलो मैम. यस मैम. हेलो. यस मैम. हेलो मैम. मैं जो कहना चाह रही हूँ,
प्राप्ति एक बार नेटवर्क चेक करो बेटा, तो है यस मैम। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही तो होता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है या मेरी जो बॉडी है दैट विल कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही ना? यस मैम, यस मैम। एंड इट आल्सो आल्सो गोज इन अ स्ट्रेट पाथ। नॉट नेसेसरीली स्ट्रेट पाथ, यू हैव स्टडीड इन द रेक्टिलिनियर मोशन, दैट्स व्हाई, बट डोंट मेंशन स्ट्रेट पाथ, इट कैन बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैम इट हैज द सेम इंटरवल ऑफ टाइम बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इट। हाँ, हम लोगों का मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है यूनिफॉर्म मोशन का, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा एक काम करो, जो स्क्रीन पर ऊपर जो एक फिगर बनाया मैंने, जो मैंने प्लॉट करा है ग्राफ, उसको एक बार देखो, तो क्या वो टाइम और डिस्टेंस का जो मैंने बनाया है, जो मैंने डेटा बनाया है, वो क्या देख कर लग रहा है? इज इट यूनिफॉर्म मोशन? Is it uniform motion or not? Yes, ma'am, it is. It is na? वो equal interval of time में देखो, जैसे time तुम्हारा 5-5 बढ़ रहा है, मेरा distance 10-10 बढ़ रहा है, ऐसा हुआ है क्या कि distance मेरा 10 12 बढ़ गया फिर 5 कम हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है? वो equal interval of time में equal distances बढ़ रहे हैं हमारे, तो वो मेरा ऊपर वाला जो graph है वो uniform motion का graph है ना? है कि नहीं बेटा? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो फिर मेरा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में अगर बॉडी मूव करती है तो मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितना बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं? मैम बनेगा, बनेगा ना? कैप्सी? यस मैम बनेगा, बनेगा ना? आरुषि नहीं? हाँ हाँ है, तो आरुषि उसका नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। चलो बना लिया सब लोगों ने, तीनों बच्चों ने? यस मैम बन गया, बन गया। चलो थर्ड केस पे जाएं। यस मैम, इसको बस याद कर लेना, केस थ्री। मैम कितने केसेस हैं इसके? बस खत्म, लास्ट लास्ट। लिखा मैम जस्ट लास्ट मैम यस मैम डन वो 10 इंक्रीज कर रही है या 5 डिक्रीज कर रही है स्पीड की, मतलब मान लो कि टाइम तो मेरा सेम रहेगा ही 5-5 सेकंड के बाद, माइट भी मेरा अगर स्पीड ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो मेरा डिस्टेंस कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी बहुत बढ़ सकता है, कभी बहुत कम हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता ना कि कैसा होगा, राइट? हमें तो इस बारे में नहीं पता, इट डिपेंड्स कि मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, मेरी बॉडी कितनी बढ़ रही है या मेरी बॉडी कितनी कम हो रही है, तो मेरे क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने सीधा बोल दिया कि वेरिंग स्पीड, मतलब उल्टा पुल्टा स्पीड हो रहा है, तो उल्टा पुल्टा तो कुछ भी हो सकता है ना, उल्टा पुल्टा का तो कोई हिसाब ही नहीं होता है, तो इट विल बी अ कर्व। डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस। होगा? Yes. उसका कोई हिसाब नहीं है ना?
मुझे तो नहीं पता कि कैसे कम हो रहा है कैसे बढ़ रहा है. इट माइट गो लाइक नीचे से होके ऐसे जाए, ऊपर से होके ऐसे आए, कुछ भी हो सकता है. जस्ट मैंने सैंपल बना दिया है कि इट विल बी अ कर्व. कभी भी कर्व देखोगे ना, स्ट्रेट लाइन इन दोनों में देखा, कभी भी कर्व देखोगे मतलब कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ देखोगे, कंसिडर इट इट इज अ इररेगुलर स्पीड, मतलब इट इज हैविंग अ वेरिंग स्पीड, मतलब इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? यस मैम. बोलो मैम. वो कर्व तो ऊपर से भी हो सकते हैं, कुछ भी एंगल से, कहीं से भी, कुछ भी हो सकता है. आई जस्ट गेव यू अ सिंपल एग्जांपल. एग्जांपल में इसी को बनाओ, दैट इज द स्टैंडर्ड वन. कुछ भी कहीं भी हो सकता है, वो हम लोगों को पता ही नहीं है ना. अब कोई मान लो कि कोई हमारे क्लास का कोई बच्चा बदमाश हो गया, तो अच्छा तो होगा तो समझ में आया कि अच्छा. मान लो कि मैं बोलूं कि इनमें से कोई एक बच्चा मेरा अच्छा हो गया, तो अच्छा मतलब क्या होगा? मैम आपको वीडियो और ऑडियो दोनों नहीं आ रहे हैं. हाँ 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 सुनो, मैं बोलूं कि मान लो कि प्राप्ति बहुत अच्छी है, अच्छी बन गई है. अच्छी का मतलब क्या होगा? वो पढ़ाई अच्छे से करेगी, वो मेरी सारी बातें मानेगी, वो होमवर्क करेगी, वो क्लास वर्क करेगी, ठीक है, वो कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी. अच्छे का मतलब यही होता है ना. लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत बिगड़ गई हूँ, राइट, मान लो मैं बोलूं कि संजना बहुत बदमाश हो गई है, तो बदमाशी का मतलब तो पता ही नहीं ना कि क्या करूंगी. माइट भी मैं किसी से मिसबिहेव भी कर सकती हूँ, किसी को मार भी सकती हूँ, कभी मान लो कोई सामान तोड़ दिया घर का, कुछ भी कर सकती हूँ ना. बदमाशी का तो कोई एंड नहीं है, गलत चीजों का तो कोई एंड नहीं है, राइट. तो मान लो कि मेरी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही थी, तो यूनिफॉर्म का तो अच्छा बच्चा है, उसको तो पता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है तो ये ऐसे मूव करेगा, सिंपल जाएगा. बॉडी अगर स्टेशनरी है तो मुझे पता है कि बॉडी स्टेशनरी ऐसे जाएगी, लेकिन वो किस स्पीड से मूव कर रही है, वेरी स्पीड कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, उसको पता ही नहीं है, तो कैसे होगा? जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर. कोई डाउट? मैम आप बोली थी कि ये जो वाई है वो डिस्टेंस होता है और ये एक्स एक्सिस टाइम होता है. S मतलब यहाँ y ही है बेटा. S मतलब डिस्टेंस लिखा है मैंने वहां पर. ये y है, ये x है. x पे टाइम क्या है? डिस्टेंस का सिंबल s. x है क्या तुम्हारे बुक में? नो मैम, डिस्टेंस का सिंबल क्या s है? हाँ, डिस्टेंस का सिंबल s लिखते हैं. s s s फॉर संजना. s ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये तो फिक्स है. लेकिन x एक्सिस पे मेरा टाइम है, y एक्सिस पे मेरी डिस्टेंस है. x एक्सिस पे टाइम है, y स्पीड पे डिस्टेंस है. अच्छा, मैंने शायद तुम लोग को स्पीड में तुम लोगों का s लिखा हुआ है ना? ओके ओके ओके, वेट, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी. हम लोग बड़े बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं. यहाँ d लिखो, सारे लोग यहाँ d लिखो, तो यहाँ d लिखो. सॉरी सॉरी, जब बड़े हो जाओगे तो डिस्टेंस को एस ही लिखोगे. सारे जगह जहां पर मैंने एस लिखा है ना, उसको डी कर लो. डी को डिस्टेंस बोलते हो ना तुम लोग अभी? जब तो बताया गया एस, बताया गया है. अच्छा, जो भी है बेटा, उस वो मैटर नहीं करता है. आप डिस्टेंस को एस बोलो या फिर आप डी बोलो, एक ही मैटर है. ओके, वो मैटर नहीं करता है. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. चलो आज का क्लास एंड करें. Yes, ma'am. सुनो, for this we have come to the end of this chapter. ठीक है, चैप्टर हो गया हमारा फिनिश. बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया, काफी डिटेल्स में पढ़ा. पढ़ा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे बताओ कि मेरी हेल्प कौन करेगा तुम लोगों में से? आई गेस सारे बच्चे करेंगे. करोगे तो ओके. तो एक काम करना बच्चा लोग, सारे बच्चे एक काम करना, मुझे ना न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं तुम्हारे बुक के, जो है ना बुक के बाद वाले न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे बच्चे सारे, उसका सॉल्यूशन करोगे, सब सॉल्व करोगे. मैंने क्लास में सब बताया है, सब पढ़ाया है,
सबका सॉल्यूशन तुम्हें तुम्हारी नोटबुक में मिल जाएगा, सारा नोट डाउन करोगे क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन करोगे और मुझे ग्रुप में सेंड करोगे। ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके सारा, इंक्लूडिंग विद द डेफिनेशन, इंक्लूडिंग विद द न्यूमेरिकल्स, इंक्लूडिंग विद द फिल इन द ब्लैंक्स, इंक्लूडिंग विद द ट्रू एंड फॉल्स, एवरीथिंग। मैम वो डेफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे? हाँ बेटा, डेफिनेशन भी आप लोग लिखोगे, क्वेश्चन भी लिखोगे अपनी कॉपी में और डेफिनेशन भी लिखोगे। ओके ओके मैम, ओके चलो, इतनी हेल्प करोगे तो? चलो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ओके ओके, और जो नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मार्क द क्वेश्चंस एंड सेंड इट टू मी इन द ग्रुप, आई विल सॉल्व देम। ओके ओके मैम, ओके चलो, कब तक दोगे देन, कब तक सबमिट कर रहे हो आप लोग? टिल व्हेन यू गाइस आर सबमिट? अभी तो एग्जाम चल रहा है, तो यस मैम अभी तो एग्जाम चल रहे हैं हमारे, तो फिर कब खत्म हो रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स? मैम परसों, कब कब? 25, अच्छा अच्छा अच्छा, लिसन आई एम गिविंग यू टाइम नेक्स्ट वीक वेंसडे। ओके ओके मैम, ओके आई विल वेट फॉर योर आंसर्स इन नेक्स्ट वीक वेंसडे, एंड द पीपल नीलांजन, आयुष एंड देवायन, दीज थ्री पीपल हैव लेफ्ट द ग्रुप, एनी वन ऑफ यू इन्फॉर्म देम। ओके आई हैव सेड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके चलो चलो, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, टेक केयर, हाँ बाय बाय मैम, हैव अ नाइस डे, यू टू बेटा, बाय।